हेलो फ्रेंड्स, मैं लखवीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LS Homes में। तो दोस्तों, आज हम फिर आए हैं एक नई लोकेशन में, नई प्रॉपर्टी के साथ। आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो रहने वाला 3 बेडरूम। तो दोस्तों, हमने ये प्रॉपर्टी इसलिए चुनी है क्योंकि ये हमारे जो व्यूअर्स हैं, काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वो पंचकूला के थोड़ी सी पास चाहिए। तो इसलिए हम आज लोकेशन आपके लिए लेके आए हैं, वो रहेगी आपकी तीनूशाला। जो प्रॉपर्टी रहने वाली है वो जो अपकमिंग आपकी PR7 एयरपोर्ट रोड है, उस लोकेशन पे आपकी सिचुएटेड रहेगी। आपकी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे PR7 जो एयरपोर्ट रोड है उसके बैंक ऑन हाईवे पे ये प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। अभी वो प्रपोज रोड है, पर आने वाले कुछ टाइमों में वो आपकी लिंक करेगी। जैसे कि वो PR7 आपको पता ही है कि वो जीरकपुर तक बनी हुई है और जीरकपुर से शिमला कालका हाईवे तक टच करेगी। तो वो अभी पार्ट का काम चल रहा है। तो दोस्तों, जो सोसाइटी रहेगी वो आपकी 7 एकड़ में रहेगी और जो फ्लैट्स रहेंगे वो अप्रॉक्स 272 फ्लैट्स रहेंगे यहाँ पे, और सारे सारे आपके 3 बेडरूम और उससे हायर कैटेगरी 3+1 हो गया, 4+1 हो गया, ऐसे कैटेगरीज रहेंगी। लो रेंज कंसेप्ट रहेगा। पूरी बड़ी टाउनशिप की मैं बात करता हूँ जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी से लेकर क्लब हाउस तक हर चीज़ प्रोवाइड की गई है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं 3 बेडरूम और जो इसका साइज रहने वाला है वो रहने वाला है 200 स्क्वायर यार्ड। मैं मोटा मोटा लगा के चलता हूँ, सुपर एरिया रहेगा वो अप्रॉक्स 1800 स्क्वायर फीट के आसपास रहेगा। 200 गज के जो आपने फ्लोर्स देखे हुए हैं वो आपने काफ़ी देखे होंगे, पर हमें इसका लेआउट काफ़ी अच्छा लगा। बाकी जो 200 गज के फ्लोर होते हैं उनसे थोड़ा सा हटके लगा, इसलिए हम आपको ये बात प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। मैं बिल्डर की बात कर लेता हूँ। जो बिल्डर है वो वेल रेपुटेटेड बिल्डर रहेगा क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स उन्होंने ट्राइसिटी में डिलीवर किए हुए हैं और अभी कुछ प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। तो बिल्डर आपका वेल रेपुटेटेड बिल्डर रहेगा और प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट आपका सेल्फ फंडिंग है, कोई आपका बैंक लोन नहीं, कुछ नहीं, बिल्डर की अपना पैसा लग रहा है। मेंटेनेंस की बात कर लेता हूँ। तो 3000 रुपीज़ आपकी यहाँ पे मेंटेनेंस रहेगी क्योंकि तो हार्डली हम थ्री क्लाइंट्स पूछते हैं, हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आप प्राइस नहीं बताते, मेंटेनेंस नहीं बताते। तो इसलिए हम आपसे हमने डिसाइड किया कि हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताया करेंगे। तो जो इसका मेंटेनेंस रहेगी वो रहेगी 3000 रुपये पर मंथ मिनिमम है, मतलब 3000 भी हो सकता है, 35 हो सकता है, 3000 मिनिमम रहेगी। इसके साथ जो प्राइस रहने वाला स्टार्टिंग प्राइस वो रहने वाला 69 लाख से स्टार्टिंग। तो जो 3 बेडरूम यहाँ पे स्टार्टिंग होगी वो होगी 69 लाख से और ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा डिपेंड अपॉन दी साइज। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए अब शुरू करते हैं अपना सैंपल टूर और दिखाते हैं आपको अपना बहुत ही शानदार सैंपल फ्लैट। तो दोस्तों, 100 रुपये 2 फ्लैट रहेंगे। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड रहेगा, मेरे राइट साइड रहेगा। सेंटर में आपकी आ जाती है लिफ्ट और जो लिफ्ट रहेगी वो आपकी जॉनसन कंपनी की रहेगी। मैं बात करता हूँ सैंपल फ्लैट की। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्स 8 फीट का वाइड डोर मिल रहा है यहाँ पे आपको। जैसे आप एंट्री करते हैं, एंट्री के साथ ही आपका आता है आपका ड्राइंग एरिया। एंट्री में आपको मिल जाता है ड्राइंग एरिया और ड्राइंग एरिया जो आपका साइज रहने वाला वो रहने वाला है अप्रॉक्स 16x11 का। आप देख सकते हैं खास बात ये रहने वाली है कि ड्राइंग एरिया के साथ यहाँ पे आप जैसे आपके गेस्ट बैठे हुए हैं तो आपको यहाँ पे कॉमन वॉशरूम की प्रोविजन भी दी हुई है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि आमतौर पर जो 3 बेडरूम होते हैं वो 3 वॉशरूम अटैच होते हैं, कॉमन वॉशरूम आपको हार्डली कहीं कहीं मिलता है। तो इसलिए ट्राई किया कि बिल्डर ने ट्राई किया कि जो आपके गेस्ट आए उसके लिए आपको कॉमन वॉशरूम का प्रोविजन दिया गया। सेंटर में आप देख सकते हैं आपको फॉल्सरिंग प्रोवाइड की हुई है और बीच में जो शैंडलियर लगाया हुआ है ये पूरे ड्राइंग एरिया को एक बहुत ही यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। ड्राइंग के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं आपको डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया हुआ है और डाइनिंग और ड्राइंग को हमारा आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक तरीके से आपको सेपरेशन मिल रही है। आर्टिफिशियल हमने यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम बनाया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे एक क्रोकरी के लिए भी कबर्ड्स बनाई हुई हैं। आप अपने तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि हर एक फैमिली की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपने अपने कस्टमाइजेशन के प्लान होते हैं, तो आप अपने तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ग्लास का पार्टीशन के साथ आपको अलमीरा का प्रोविजन दिया हुआ है। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगर आप ये घर खरीदते हैं तो आप इसको कैसे डेकोरेट करेंगे, कैसे इसका ड्राइंग डाइनिंग का पार्टीशन करेंगे। दोस्तों, जो डाइनिंग टेबल देख सकते हैं, देख रहे हैं आप 6 सीटर यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलेशन एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि अगर आप गेस्ट बैठे हैं ड्राइंग एरिया में तो उनको यहाँ पे हार्डली यहाँ पे डाइनिंग एरिया नज़र आ रहा है और साथ में किचन भी आपकी बहुत ही हार्डली नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं उनको सिर्फ मेरा फ्रंट रूम विजिबल है, अगर मैं उसे डोर बंद कर देता हूँ सिर्फ वॉशरूम के लिए छोड़ता हूँ तो उनको पूरा पूरी घर में प्राइवेसी रहती है क्योंकि मेरी ना किचन विजिबल है ना मेरे अगले 2 रूम विजिबल है। तो एक प्राइवेसी प्रॉपर मेंटेन की हुई है और थोड़ा लेआउट भी थोड़ा हटके बनाया हुआ है। इसी के साथ डाइनिंग के बिल्कुल सामने
जो घर का मेन पार्ट होता है वो होता है किचन। और किचन आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस किचन प्रोवाइड की हुई है। मेरे राइट साइड आप देख सकते हैं, आपको फ्रिज का प्रोविजन दिया हुआ है। इसी के साथ आपको पैरेलल शेप में किचन प्रोवाइड की हुई है। किचन भी आपकी मोर देन सफिशियंट है, आप यहाँ पे 2 पर्सन आराम से काम कर सकते हैं, 2 के 3 पर्सन भी आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ड्राई पेंट्री आपको यहाँ प्रोवाइड की हुई है, ताकि आपकी जो ड्राई चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पे इजीली आ सके। मैं बात करता हूँ स्पेस की, तो स्पेस आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही कमी रहने वाली, सारी सारी किचन आपकी सॉफ्ट क्लोजर रहेगी। और स्पेस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड की हुई है। इवन मैं आपको ऊपर भी दिखा दूँ, तो ऊपर भी आपको यहाँ पे जो आपके स्टोरेज है उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड की हुई है। ये आपकी डेडिकेटेड चिमनी की स्पेस दी हुई है, और जो इसका आउटलेट है वो आपका फ्रंट में बाहर आएगा। इसी के साथ यहाँ पे आपका आ जाती है सिंक, डबल बॉल यहाँ पर सिंक प्रोवाइड की हुई है। गीजर का पॉइंट आपका ऊपर दिया हुआ है, और आर ओ का पॉइंट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे एक घर का लेआउट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ड्राइंग बिल्कुल सेपरेट, ड्राइंग किचन के बिल्कुल सामने डाइनिंग और रूम सारे अलग अलग, तो एक बहुत ही यूनिक तरीके का ये लेआउट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। इसी के साथ आती है आपकी वॉशिंग एरिया, जो आपका फ्रंट में बालकनी रहेगी आपकी, उसमें आपको यहाँ पे वॉशिंग एरिया दिया हुआ है। आप बालकनी देख सकते हैं, ये बालकनी किचन के साथ और आपके बेडरूम के साथ अटैच रहेगी। 6 फीट की वाइड बालकनी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, और 6 फीट आप देख सकते हैं यहाँ पे आप चेयर लगा के इजिली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही बिग साइज की आपकी यहाँ पे बालकनी प्रोवाइड की हुई है। आप इसको अपने तरीके से थोड़ी बालकनी डेकोरेट भी कर सकते हैं। सिलेंडर का प्रोविजन आप अभी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इन फ्यूचर गैस पाइपलाइन आएगी तो आपकी यहीं से अटैच हो जाएगी, कोई तोड़ फोड़ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं अब अपने बेडरूम की तरफ, और आपको दिखाते हैं अपने बेडरूम्स। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। अगर मैं लेआउट्स की बात करूँ, तो एक बेडरूम मेरे बिल्कुल राइट साइड में, एक मेरे सामने रहेगा, और एक जैसे कि आपने देखा आपका जो कॉमन वॉशरूम है उसके साथ आपका अटैच बेडरूम दिया है, किड्स बेडरूम या गेस्ट बेडरूम आप कह सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में हम एंटर करते हैं, आप देखते हैं आपको एक यूनिक और क्लियर साइज का बेडरूम मिल जाता है। अगर आप इस बेडरूम में आप अगर एंटर भी किए हैं, तो आपको देखा होगा कि यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल से यहाँ पे आपको इंटीरियर किया होगा, नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कुछ ज़्यादा हैवी इंटीरियर नहीं किया हुआ, बिल्कुल लाइट सा जो हम चीज़ हम दे रहे हैं, जैसे पेंट आप देख सकते हैं, यही पेंट हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, तो सेम वही चीज़ हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये फ्रंट में आपका आ जाता है LED पैनल का स्पेस, यहाँ पे आप अपने तरीके से LED पैनल बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये साइज है, ये अप्रॉक्स 11x12 का रहेगा, पर क्लियर रूम साइज है, इसमें कबर्ड्स इंक्लूड नहीं है। कबर्ड्स आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है ड्रेसिंग एरिया आपको प्रॉपर दिया हुआ है, यहाँ पे वॉकिंग जिसमें हमको वॉकिंग क्लोजन दिया हुआ है प्रॉपर, आपको यहाँ पे फ्रंट में आपका मिरर आ जाएगा, आपकी कबर्ड्स यहाँ पे आ जाएगी, आपको यहाँ पे अटैच वॉशरूम प्रोवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं वॉशरूम भी आपका काफ़ी स्पेशियस रहेगा। जो भी आपकी फिटिंग्स देख रहे हैं आप, वॉशरूम आपको एज इट इज मिलेगा, जिसमें आपकी जो फिटिंग्स रहेंगी वो प्रॉपर ब्रांडेड रहेंगी। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम का जो साइज रहने वाला है वो अप्रॉक्स 10.5x13 का रहेगा। अगेन आपको जो रूम साइजेस है वो क्लियर मिलते हैं, सिंपल आपको देख सकते हैं, आप इंटीरियर किया हुआ बिल्कुल सिंपल, लाइट सी हमने आपके यहाँ पे फॉल्स सीलिंग की हुई है, मीन्स कि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं 80% आपको वही चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। LED पार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको LED का प्रोविजन प्रोवाइड किया हुआ है, आप जैसे यहाँ पे LED लगा सकते हैं। इसी के साथ अगेन आपकी वही बालकनी आ जाती है जो हमने आपको किचन के साथ दिखाई थी, अटैच बालकनी जो 6 फीट वाइड रहेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस रहेगी। और बिल्कुल खास बात, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वॉकिंग क्लोजेट, जिसके अंदर आपका रहेगा कबर्ड्स और आपके वॉशरूम्स। वॉशरूम्स अगेन आपको बहुत ही अच्छे साइज के मिल जाते हैं, और कबर्ड्स भी आपकी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस आप देख सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, जो आपका बिल्कुल आपके ड्राइंग के साथ आपका थर्ड बेडरूम मिला हुआ है, जिसको हम आपको किड्स रूम कह सकते हैं, गेस्ट रूम कह सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे एक कॉमन कम अटैच वॉशरूम दिया हुआ है, ताकि कोई गेस्ट आए, आप देख सकते हैं कि बहुत स्पेशियस वॉशरूम है, गेस्ट आए वो यहाँ पे इजीली इसको यूज़ कर सकता है, ताकि आपके जो रूम्स हैं तो घर है उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। जो इसका रूम साइज रहेगा वो अप्रोक्स 11x12 का रहेगा,
क्योंकि जो हमारी कबर्ड्स हैं वो आपके इनबिल्ट रहेंगी, तो ये क्लियर रूम साइज है इसमें, कबर्ड्स आपके रूम का स्पेस बिल्कुल भी नहीं घेर रहे, और कबर्ड भी आपको यहाँ पे अलग हर एक रूम्स में आप देखोगे आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कबर्ड्स दी हुई हैं, और जो टाइल्स का कॉम्बिनेशन है हर एक वॉशरूम में वो भी अलग अलग रहेगा, जैसे एक में वाइट था इसमें कुछ ब्राउनिश कलर का आपको वॉशरूम टाइल्स दी हुई है, तो हर एक में अलग अलग आपको कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ताकि घर आपका मौजूद वो ज़रा अट्रैक्टिव लगे। फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको LED का प्रोविजन दिया हुआ है, आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो आपको ये घर दिखाया है ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको इंटीरियर नहीं आया हुआ, सिर्फ हमने एक फर्नीचर प्लेस किया हुआ है और ज़्यादा इंटीरियर बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, ताकि आपको एक चीज़ दिखा सके कि ये घर में हम क्या दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि घर आपको जो मिलता है देखो आप सैंपल्स काफ़ी देखते हैं, तो आप देख जो सैंपल होता है और जो आपका लास्ट में मिलता है उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि सैंपल उसमें बहुत ज़्यादा हैवी इंटीरियर कराया होता है, तो वैसे ही हमारा सैंपल फ्लैट ही है, पर इसमें हम आपको सिर्फ फर्नीचर छोड़ के और एक वो आपको पार्टीशन दिखाया वो छोड़ के आपको 90% चीज़ें हम आपको सेम ही दे रहे हैं। बाकी जो भी आपका डाउट्स हैं कि प्राइस के रिगार्डिंग से, मैंने प्राइस आपको स्टार्टिंग में कह दिया कि प्राइस क्या है, सोसाइटी में क्या क्या मिल रहा है, रूम साइजेस क्या हैं, आपको हर चीज़ हमने आपको ट्राई किया कि आपको वीडियो में एक्सप्लेन करें ताकि आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। इसी रूम के साथ जैसे लोरेस कंसेप्ट है, आपको यहाँ पे दो बालकनी मिलती है, एक आपने देखी, एक मेरी फ्रंट बालकनी आती है, और ये भी अगेन आप देखोगे बिल्कुल बहुत ही आपको स्पेशियस बालकनी प्रोवाइड की हुई है, 6 फीट की बालकनी आपकी यहाँ पे रहेगी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं लोरेस कंसेप्ट, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको ओपननेस मिलती है, जो आपकी सड़कें रहेंगी वो अप्रॉक्स आपकी 60-80 फीट वाइड रहेंगी, स्ट्रीट में आपको पार्किंग मिल रही है, पावर बैकअप मिल रहा है, आपको लिफ्ट प्रोवाइड की हुई है, हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। दोस्तों होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, कि हमने ट्राई किया कि हम आपको एक अच्छे लेआउट के साथ एक अच्छा 3BHK दिखाएं, क्योंकि जो ये लोकेशन रहने वाली है आपके पंचकुला से बिल्कुल एडजॉइनिंग है, सेक्टर 20 पंचकुला के बिल्कुल एडजॉइनिंग रहेगी, अप्रोच रोड बहुत ही अच्छी है, आने वाले टाइम में फ्यूचर जो अप्रोच रहेगी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो प्राइस रहेगा वो आपको बताया हुआ है कि 69 लाख ऑनवर्ड रहेंगे, तो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे रेडी टू मूव भी मिल जाएगी, और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, क्लब हाउस यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, गेटेड टाउनशिप है, सिक्योरिटी प्रॉपर है, फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। तो दोस्तों हमारे कुछ दोस्त हमारी वीडियोज़ देखते हैं, नीचे कमेंट्स करते हैं, तो उनके डाउट्स जो होते हैं हम क्लियर नहीं कर पाते, आपको कोई भी डाउट है किसी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी, आपकी हेल्प करेगी। तो दोस्तों आप हमारे थ्रू प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगती है तो हम आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, हर चीज़ के लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपके लोन के लिए, आपके प्राइसिंग के लिए, हर चीज़ के लिए हम आपके साथ होते हैं, ये आफ्टर सेल सर्विसेज, एक बार प्रॉपर्टी आपने ले ली उसके बाद क्या, उसके बाद आपको हमारी सर्विस की जरूरत है, हम आपको हर चीज़ आपको गाइड करेंगे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के से लेकर आपके लोन तक के लिए, हर चीज़ के लिए हम आप इवन कि आपकी रजिस्ट्री तक के लिए हम आपके साथ रहेंगे, और आफ्टर सेल सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपकी क्वेरी रहती है किसी भी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, इवन कि किसी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी, आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ सॉन्ग्स।